आज है बर्थडे अपना और स्पेशल बर्थडे थैंक यू का डेकोरेशन किया गया श्रमजीवी वाला, लेकिन श्रमजीवी में भाई नहीं हुआ को तो बहुत अच्छा लग रहा जी, काफी दिनों से इसका इंतजार था। ट्राई करें नहीं करना भाई, हां भाई केला जरूर ट्राई करना चाहिए ना भाई। आज ही पूरा जय हिंद मेरे रेल फैंस, कैसे आप सब, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया ही रहना। स्वागत करते हैं आप सभी का बरौनी बिहार के बरौनी जंक्शन रेलवे स्टेशन से, आप सभी को ले चलेंगे वाराणसी के बीच। आज इसका फर्स्ट लेच भी रन 1 दिसंबर यानी 1 दिसंबर 2022 को आज इस ट्रेन को बरौनी गोंदिया को फर्स्ट लेच भी रन मिली है। और आज की जर्नी में अपने रेल फैंस भाइयों के साथ हुए और आज है अपना बर्थडे स्पेशल भी जर्नी हो रही है और फर्स्ट लेच भी रन 1 दिसंबर को बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस। अपने ए वाई आदित्य ब्लॉक बनारस वाले भाई के साथ भी एकदम गोंदिया में फूल लगाया गया, डेकोरेशन किया गया श्रमजीवी वाला, लेकिन श्रमजीवी में भाई नहीं हुआ था, सबका रोस्ट एक्सपीरियंस था। आज के जर्नी में फिर से गणेश भाई आ चुके हैं रन ऑन ट्रैक और जर्नी होने वाली है तीनों रेल फैंस भाइयों के साथ जनरल कोच में। और आज है बर्थडे अपना और स्पेशल बर्थडे, थैंक यू गणेश, अरे थैंक यू गणेश भाई आपसे। कटेगा ये दोस्तों बरौनी जंक्शन रेलवे स्टेशन, चलते हैं अंदर। और बरौनी जंक्शन का जो है टिकट काउंटर और सामने एक वेटिंग हॉल भी है बरौनी जंक्शन, और यहाँ 2 ATBM टिकट काउंटर भी है। यह है बरौनी जंक्शन का ट्रेन चार्टिंग टिकट डिस्प्ले, देख सकते हैं। चार्जिंग प्लग सॉकेट भी दिया है बरौनी जंक्शन। सामने से जम्मू तवी भागलपुर अमरनाथ एक्सप्रेस डिपार्ट कर रहा है बरौनी जंक्शन से। सामने 6 नंबर में लगी है बरौनी लखनऊ एक्सप्रेस। सामने देख रहे हैं ब्रांड न्यू LHB कोच के साथ बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस आज अपनी और यार्ड से जो है अब लगाया जा रहा है प्लेटफॉर्म पे। चलिए देखते हैं सीधे संटिंग, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों हमारी ट्रेन को संट किया जा रहा है प्लेटफॉर्म 9 समस्तीपुर सेट का WAP 7 लोकोमोटिव आज हमारी ट्रेन को पुल कर रहा है बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस। प्लेटफॉर्म 9 पे संट किया जा रहा है भाई। ये है DL1 कोच का फर्स्ट AC, सेकेंड AC, एक फर्स्ट AC और एक सेकेंड AC, 4 थर्ड AC स्लीपर क्लास, 4 जनरल क्लास, 1 DL1, 1 EOG के साथ चलती है स्लीपर कोच। ट्रेन में जो है एक स्लीपर क्लास हटा दिया है और एक जनरल क्लास और 1 थर्ड AC बढ़ाया है और बाकी देख सकते हैं अराइव होता हुआ संटिंग के द्वारा। अब अपना जनरल कोच ब्रांड न्यू LHB में जर्नी हो रही है भाई साहब, जनरल कोच में आदित्य भाई के साथ है भाई आदित्य ब्लॉक्स। चलिए खोल के आइए, आइए घुसिए इमरजेंसी विंडो। तो अंकल जी आप लोग को आज इस ट्रेन का फर्स्ट LHB रन जर्नी और आप लोग डेकोरेट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आप लोग को ये बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस को LHB आज मिल गया 1 दिसंबर को? तो बहुत अच्छा लग रहा है जी, काफी दिनों से इसका इंतजार था जी, बहुत इंतजार था और काफी देख सकते हैं पीछे जो है ब्रेकवान में डेकोरेट किया जा रहा है बोर्ड के पास, काफी अच्छा लग रहा है। तो अंकल जी आपको काफी दिनों से इंतजार था, हम लोग भी इंतजार में थे, तो अच्छा लगता है जब कोई ट्रेन LHB मिलती है तो अच्छा लगता है। तो दोस्तों यही है अपना जनरल कोच बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस का, चलिए इंटीरियर देखते हैं। ये अपना बरौनी गोंदिया का फर्स्ट LHB रन जनरल कोच का, चलते हैं अंदर में आते तो ऐसा आपको जो है काफ़ी कंफर्ट है, ऊपर जो है गद्दी वगैरह दिया हुआ है इस सीट पे, उधर चार्जिंग सॉकेट 2 प्लग सेविंग सॉकेट है लेकिन मिरर गायब है, बाकी पैसेंजर यहाँ उतना खास क्राउड है नहीं। इस साइड भी एक चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है, ऊपर लगेज स्पेस दिया हुआ है, बाकी आपको हैंगर दिया हुआ है, बाकी उतना खास अभी भीड़ नहीं है बरौनी जंक्शन पे। इमरजेंसी विंडो सीट जनरल कोच का देख सकते हैं, चलिए चलते हैं और इस ट्रेन का जो है वॉशरूम का कंडीशन देखते हैं लोग कैसा है कैसा नहीं। पहुंच गए बरौनी गोंदिया का फर्स्ट LHB रन का जनरल कोच का, छोटा सा मिरर है हालांकि साफ है, नीचे चमचमाता हुआ भाई बेसिंग देख सकते हैं, पानी जो है आ रहे हैं, यहाँ सोप होल्डर दिया हुआ है और इस साइड डस्टबिन, लेकिन फायर डस्टबिन गायब है। वॉशरूम का कंडीशन देख सकते हैं, हल्का मिरर जो है साफ है, यहाँ बेसिंग जो है नीचे डस्टबिन और बेसिंग में जो है पानी आ रहा है, ऊपर एक छोटा सा ट्यूबलाइट दिया हुआ है कपड़े वगैरह टांगने के लिए मिला जुला के। चलिए डिपार्चर देखिए, लाइए लाइए। और यहाँ जो है भैया मुंह मीठा करा रहे हैं, देख सकते हैं गाइस।
और ट्रेन का जो है सब चीज़ हो गया। और यहाँ जो है रसगुल्ला से जो है जर्नी को कंटिन्यू किया जा रहा है, देख सकते हैं आप लोग। हम जस्ट निकल ही रहा था बरौनी से, बेगम कट दिया गया है, ये गलत चीज़ है भाई, ऐसा आप लोग ना कर। देखिए हमारे आरपीएफ सर, पहले तो नीला लिखा चलता था ना, तो आज आपको कैसा लग रहा है इसमें बैठ के? ठीक लग रहा है। पहले सर आरामदायक कि बैठने में है कि नहीं? ठीक है ना। अब कहाँ तक जाना है भैया? जाएंगे बनारस। चलिए साथ में सफर होगा। 9:30 बजे तक पहुँचेंगे। ओके। और इस न्यू कोच में आज सफर कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको ये ट्रेन? जैसे पहले आईसीएफ के साथ चलता था बुल्लू कोच के साथ, आज इसका फर्स्ट लेज भी रहने है, तो कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। जानकारी मिली। चलिए ठीक है। तो दोस्तों फाइनली प्लेटफॉर्म 9 से डिपार्ट हो रहा है बिल्कुल ऑन टाइम, 10:05 बरौनी जंक्शन से हमारी ट्रेन बरौनी गोंदिया फर्स्ट लेज भी रन। ठीक है, आप ब्रेड ऑमलेट जरूर ट्राई करें जब भी आए आप लोग। तो बरौनी जंक्शन दोस्तों, बरौनी जंक्शन से निकलते ब्यूटीफुल कर्व मिलता है हम सभी को देखने को। देखो पे इंडियन आयल आपको टैंक दिखने को मिलेगा। तो दोस्तों आ चुके बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी के इंटीरियर में, तो देख सकते हैं सामने बाहर मिरर है, बेसिंग है, नीचे डस्टबिन, फायर डस्टबिन और डस्टबिन, फर्स्ट एसी का वॉशरूम का कंडीशन देखने देखते हैं। बड़ा सा मिरर है, साफ है, ऊपर ट्यूबलाइट है, छोटा सा हैंगर दिया है दो दो कपड़े के लिए, और यहाँ देखिए सेविंग सॉकेट प्लग दिया है, बाकी बेसिंग में पानी आ रहा है, गंदा आ रहा है भाई, ये क्या है? और नीचे डस्टबिन, बाकी यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट एसी। चलिए चलते हैं अंदर और इंटीरियर दिखाते हैं आप सभी को। ये लो फर्स्ट एसी, जो कि कूप मिलता है देखने को, 1, 2, 3 कूप है, और इसी में फर्स्ट और सेकंड एसी है। तो चलिए फर्स्ट एसी का कूप देखते हैं, कूल करते हैं। हम लोग आ चुके हैं फर्स्ट एसी के एसी कूप में, देख सकते हैं कपल लग लिए। यहाँ देखिए सामने मिरर है, ऊपर लगेज पे दिया है, यहाँ चार्जिंग सॉकेट, फिर यहाँ भी, और नीचे जो है स्टडी लैंप दिया हुआ है आप देख सकते हैं, और देख सकते हैं बर्थ काफ़ी अच्छा सा है, और टावल भी है आपको, और देख सकते हैं यही है इंटीरियर, दोनों बगल सेम है, और इधर आपको सीढ़ी मिलता है देखने को, और इधर आपको ट्यूबलाइट मिलता है। फर्स्ट एसी, अब हम लोग आ चुके हैं सेकंड एसी का इंटीरियर, सेकंड एसी का, और इधर था फर्स्ट एसी और ये है सेकंड एसी। चलिए इंटीरियर देख सकते हैं, काफ़ी कंफर्ट सीट दिया हुआ है, और यहाँ आपको एक टेबल दिया है खा सकते हैं, और यहाँ मिरर है, और यहाँ भी आपको स्टडी लैंप, और यहाँ कर्टन जो है दिया हुआ है, बाकी देख सकते हैं मिरर है, दो दो चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है ऊपर लगेज के लिए, यहाँ अलार्म पुल के लिए भी है देख सकते हैं आप लोग। यही है अपना सेकंड एसी का इंटीरियर, और फर्स्ट एसी सेकंड एसी एक ही। चलिए दोस्तों बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस का थर्ड एसी का इंटीरियर आपको दिखाते हैं, तो देख सकते हैं सामने मिरर है, और ये बेसिंग और सोप होल्डर, डस्टबिन, इधर फायर डिस्ट्रीब्यूशन, इधर डस्टबिन। यही है अपना थर्ड एसी का, काफ़ी क्लियरेंस। एसी में भी सामने मिरर है ऊपर रखने के लिए, दो चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है, और ये देखिए कर्टन दिया हुआ है, वही है, और ये साइड लो कुछ का हाल है, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइट देख सकते हैं। एसी में जो है कंबल वगैरह सीट स्टार्ट हो चुकी, स्लीपर का हाल देख सकते हैं, छोटा सा मिरर है, यहाँ डस्टबिन है, वॉशरूम में आ चुके हैं, छोटा सा मिरर है, हालांकि साफ है, ऊपर ट्यूबलाइट दिया हुआ है, बेसिंग है, डस्टबिन है, पानी जो है आ रहा है, बाकी हैंगर दिया हुआ है, स्लीपर कोच, स्लीपर भी खास इतना भीड़ है कि दोस्तों हम लोग आ चुके हैं स्लीपर के इंटीरियर में, देख सकते हैं सामने मिरर है, यहाँ एक आपको चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है, बाकी 3x2 का होता है, इधर जो है 2x2 का होता है, यहाँ भी एक आपको चार्जिंग पोर्ट आपको देखने को मिलता है स्लीपर में, साइड अपर और ये साइड लोअर, जो है ये साइड अपर मिडिल और ये लोअर बर्थ स्लीपर का। तो ऑलराइट ये 50 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद हम लोग आ चुके हैं अपने जर्नी का फर्स्ट स्टेशन पे समस्तीपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है SPZ। टोटल 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, टोटल 148 ट्रेन पर डे के यहाँ हॉल्ट करती है, 19 ट्रेन और दिए ऑटोमेट। ये प्रताप अपना बिहार के इस
सेंट्रल के समस्तीपुर जंक्शन के समस्तीपुर डिवीजन, यहाँ आई ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉपेज है और बरौनी से लगभग 50 किलोमीटर की जर्नी कवर कर चुके हैं। चलिए यहाँ 5 मिनट होल्ड के बाद देखते हैं लो डिपार्चर और मिलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों हमारी ट्रेन का सिग्नल हो चुका समस्तीपुर जंक्शन से, देखिए यहाँ से डिपार्चर समस्तीपुर जंक्शन से। तो ऑलरेडी 102 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद हम लोग आ चुके अपने जर्नी का सेकेंड रोस्ट पे, बिहार के मुजफ्फरपुर जंक्शन जिसका स्टेशन कोड है MAP। टोटल 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 122 ट्रेन पड़े यहाँ के आउट के थे, 21 ट्रेन यहाँ से और जीरो और 21 टर्मिनेट है। इस सेंट्रल में सोनपुर डिवीजन में आता है, बाकी 5 मिनट का स्टॉपेज है। चलिए यहाँ से देखते हैं डिपार्चर, मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉपेज। और यहाँ का शाही लीची जरूर ट्राई करें लीचियों के सीजन में है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं डिपार्चर, मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉपेज। तो दोस्तों 5 मिनट होल्ड के बाद हमारी ट्रेन निकल चुकी है मुजफ्फरपुर जंक्शन। तब तो ऐसे फूट गया भैया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दोस्तों अभी हम लोगों ने मुजफ्फरपुर के बाद लिया समोसा जो कि साइड पेटी से, और समोसा काफी दबा हुआ है और साथ में चटनी दिया हुआ है हरी मिर्च। बाकी समोसे के टेस्ट की बात की जाए उतना टेस्ट नहीं है, फिर भी ठीक है खाने के लिए। तो ऑलरेडी 156 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करने के बाद हम लोग आ चुके अपने जर्नी का थर्ड स्टॉप पे हाजीपुर जंक्शन जिसका स्टेशन कोड है HJP। टोटल 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, इसको ऑपरेट करती है इस सेंटर में सोनपुर डिवीजन। बाकी हमारी ट्रेन का 5 मिनट काउंट है, यहाँ 148 ट्रेन पड़े यहाँ काउंट करते हैं, यहाँ से नाई को ट्रेन और जीरो टर्मिनेट होते हैं, 5 मिनट काउंट है। चले यहाँ से देखते हैं डिपार्चर और मिलते हैं नेक्स्ट। बाकी हाजीपुर जंक्शन पर कुछ अपने बर्थडे के लिए कुछ खाने पीने के लेते हैं लोग, फिर सेलिब्रेट करेंगे डिपार्चर। तो दोस्तों हमारी ट्रेन 5 मिनट होल्ड के बाद निकल चुकी है हाजीपुर जंक्शन से। नया तो यहाँ का चिनियावा केला मीठा के तरह होता है, जरूर ट्राई करें। तो दोस्तों अभी हमारी ट्रेन हाजीपुर जंक्शन से डिपार्ट की है और अब हमारा जो बर्थडे सेलिब्रेट करना था तो गणेश भाई ने कुछ लिए हैं तो उसी में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉपेज छपरा जंक्शन, उससे पहले चलिए देखते हैं काला है गणेश भाई यहाँ पे। तो गणेश भाई ने केला खरीदा हाजीपुर का जो कि चिनियावा के तरह चीनी के तरह ये भी मीठा होता है, हाजीपुर का चिनियावा केला जरूर ट्राई करें, नहीं गणेश भाई? भाई केला जरूर ट्राई करना चाहिए ना भाई, हाजीपुर आए तो चलिए इसी को खाते हुए कंटिन्यू जर्नी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे आप सभी से। एक्सप्रेस हमारी ट्रेन को छापरा में स्किप करते हुए, Yeah.
few moments later. दोस्तों ये है बरौनी गोंदिया जो ICF है और आज इस ट्रेन का फर्स्ट एलएच भी है, ये लास्ट ICF है, देख लो बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस, दोनों सेम ट्रेन है और छपरा कचहरी में क्रॉस कर रहा है। चढ़ जाओ अंकल, अंकल जी आराम से चढ़िएगा, स्लो होगा तो ये भी खाली है भाई। पेंट्री स्टाफ इलेक्ट्री कल से मिल जाएगा, कल से इलेक्ट्री में रहिएगा, मिल जाएगा LHB फर्स्ट LHB सब बकवाया है। बाकी उसमें का जितने भी जो है स्टाफ वगैरह जो है कोच अटेनमेंट और पेंटी वाले सेम ट्रेन को जो है मिस कर रहा है, मिस कर रहा है। लास्ट ICF ब्रेक भैया, गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस, बाय बाय बरौनी गोंदिया। तो दोस्तों हमारी ट्रेन को जो है छापरा जंक्शन से पहले छापरा कचहरी में रोका गया था और दो ट्रेन को क्रॉसिंग के बाद अब हमारी ट्रेन निकल चुकी है छापरा जंक्शन के लिए। मिलते हैं तो ऑल राइट गेट 216 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम लोग आ चुके अपने जर्नी का फोर्थ सुबह छापरा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है CPR, बिहार में पड़ता है, इसको ऑपरेट करती है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के 1C डिवीजन। बाकी हमारी ट्रेन का 10 मिनट का ऑट है, टोटल 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। यहाँ 128 ट्रेन पड़े आके ऑर्ड करते हैं, 20 ट्रेन ऑरिजिनल और एस्टिमेट होते हैं। बाकी चले यहाँ से देखते हैं डिपार्चर, मिलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों छापरा जंक्शन में अंकल ने लिया था वो खाना, देख लीजिए कैसा है, और इनको गलत दे दिया, कैसा लग रहा था अंकल जी? बेकार लगा, चलिए यही होता है बाहर और पेंट्री का। दोस्तों देखते ही देखते अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका छपरा जंक्शन से, चलिए यहाँ से देखते हैं डिपार्चर के बाद छपरा जंक्शन से डिपार्ट करता हुआ। तो ऑल राइट गाइस 245 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद हम लोग आ चुके अपने जर्नी का फिफ्थ स्टॉपेज सुरैमनपुर, जिसका स्टेशन कोड है SIP, उत्तर प्रदेश के नॉर्थ ईस्टर्न के 1C डिवीजन में आता है। बाकी हमारी ट्रेन का 2 मिनट का होता है, 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन, 38 ट्रेनें पड़े यहाँ के हॉट के, यहाँ से नहीं कोई ट्रेन और डीएट मेट होती है। चलिए यहाँ से 2 मिनट का हॉट के बाद देखते हैं डिपार्चर, मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉपेज पर। तो दोस्तों 2 मिनट हॉट के बाद हमारी ट्रेन निकल चुकी है सुरैमनपुर से, देखिए यहाँ से डिपार्चर। तो ऑल राइट ये 282 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद हम लोग आ चुके हैं अपने जर्नी का 6th स्टॉपेज बलिया, जो कि उत्तर प्रदेश के नॉर्थ ईस्टर्न के 1C डिवीजन में आता है। बाकी 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड है BY, और यहाँ 69 ट्रेन पॉट आके होल्ड करती है, 7 ट्रेन और ये ऑटोमेट होती है। बाकी यहाँ अपनी ट्रेन का 5 मिनट के स्टॉपेज है, चलिए यहाँ से 5 मिनट होल्ड के बाद देखते हैं डिपार्चर, मिलते हैं दोस्तों 5 मिनट होल्ड के बाद हमारी ट्रेन निकल चुकी है बलिया रेलवे स्टेशन से, देखिए यहाँ से डिपार्चर। हाँ तो दोस्तों अभी हम लोग लेने हैं
गाजीपुर से पहले लिया है। लच्छा का जो है अपना मीठा है काफ़ी टेस्ट एक नंबर है। और गणेश भाई लिए टेस्ट काफ़ी अच्छा है, आपको मिल जाएगा। गुड़ का ही बनता है लच्छा का। गणेश भाई टेस्ट कैसा है? टेस्ट कैसा था? अरे भाई एक नंबर। बात बात इस बात। चलिए मिलते हैं। तो ऑल राइट, ये 347 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम लोग आ चुके हैं अपने जर्नी का 7th स्टॉप है गाजीपुर सिटी, जिसका स्टेशन कोड है GCT। उत्तर प्रदेश के नॉर्थ ईस्टर्न के 1C डिवीजन में आता है। बाकी हमारी ट्रेन का जो है 5 मिनट के यहाँ स्टॉपेज दिया गया है। और यहाँ 46 ट्रेनें पर डे आके होल्ड करती है। यहाँ से 7 ट्रेन और 0 टर्मिनेट होती है। चलिए 5 मिनट का होल्ड है, चलिए यहाँ से देखते हैं डिपार्चर। तो दोस्तों पूरे 5 मिनट होल्ड के बाद हमारी ट्रेन निकल चुकी है गाजीपुर सिटी से। देखिए डिपार्चर। तो ऑल राइट, ये 386 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम लोग आ चुके हैं अपने जर्नी का स्टॉपेज यानी ओडियार जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है जे। टोटल 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। उत्तर प्रदेश के नॉर्थ ईस्टर्न के 1C डिवीजन में आता है। बाकी यहाँ जो है अपनी ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉप था, बाकी उस ट्रेन को हम लोग डिवोट करते हैं। वो जाएगा यहाँ से नेक्स्ट स्टॉपेज आएगा अपना जौनपुर, उसके बाद उसका वाराणसी। बाकी हम लोग यहाँ से 2C ट्रेन से निकलेंगे वाराणसी, बाकी उस ट्रेन को हम लोग। तो चलिए इस ट्रेन वो ट्रेन का पहले यहाँ से देखते हैं डिपार्चर और मिलते हैं लोग जिस ट्रेन से हम लोग अलग वाराणसी जाएंगे। तो उस ट्रेन के साथ पहले इसका डिपार्चर देखिए यहाँ से, फिर उसके बाद हम लोग उस ट्रेन के साथ मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों ये ट्रेन निकल चुकी है और यार जंक्शन से देख लीजिए ट्रेन आपको, इसके बाद जौनपुर नेक्स्ट स्टॉपेज है, उसके बाद आपको वाराणसी। गोंदिया फर्स्ट LHB। तो दोस्तों और यार जंक्शन में अपने गणेश भाई जो है यहाँ लिए हैं पकौड़ी। तो पकौड़ी का टेस्ट कैसा है गणेश भाई? बेकार। तो दोस्तों मेरे पीछे और यार जंक्शन पे अराइव हो रहा है 01028 गोरखपुर दादर सेंट्रल स्पेशल ट्रेन में। यहाँ से चलेंगे हम लोग बनारस तक, वाराणसी जंक्शन तक। बाकी चलिए चलते हैं और जर्नी को कंटिन्यू करते हुए और यार से वाराणसी जंक्शन तक जनरल में होगा सफ़र। चलिए चलते हैं यार से वाराणसी जंक्शन, 35 किलोमीटर नॉन स्टॉप की जर्नी होगी जनरल कोच में। फिर वहाँ हम लोग पहुँच के अपना जर्नी फाइनल डेस्टिनेशन हो जाएंगे, मतलब जर्नी को एंड कर देंगे फर्स्ट LHB रन बरौनी गोंदिया। चलते हैं फटाफट बोर्ड होते हैं और सीधे मिलते हैं आपसे वाराणसी जंक्शन अराइवल के साथ और जर्नी फाइनल डेस्टिनेशन एंड करते हुए वाराणसी जंक्शन। तो देख सकते हैं गाइस हम लोग और यार जंक्शन से निकल चुके हैं और मिलते हैं सीधा आपको वाराणसी अराइवल के साथ। और देख लीजिए भाई कोच का हाल अपना। ले उतर जान दो, उसके बाद चढ़ते रहो भाई। देख लीजिए अभी लोग उतर रहा नहीं और चढ़ने के लिए। तो दोस्तों फाइनली हम लोग तो आ चुके हैं बरौनी जंक्शन से, फाइनल डेस्टिनेशन आउट अपनी वाराणसी जंक्शन काशी के साथ। और हमारी जर्नी यही एंड होती है, बाकी मिलते हैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द एक और नए जर्नी के साथ। बाकी आज का यही था अपना फर्स्ट LHB रन बरौनी गोंदिया का फर्स्ट LHB रन की जर्नी। बाकी हमारी जर्नी बस बरौनी से गोंदिया तक की, यही तक की जर्नी हमारी एंड होती है। मिलते हैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द, इंस्टा फेसबुक पर फॉलो कीजिए। बाकी हमारी गणेश भाई और आदित्य भाई और हमारी जर्नी यही एंड होती है वाराणसी तक बरौनी से। बाकी देख सकते हैं बरौनी वाराणसी जिनसे पे काफ़ी ज़्यादा जो है क्राउडेड है। बाकी चलिए बाकी पीछे जो ट्रेन देख रहे हैं हम लोग और यार जंक्शन से इस ट्रेन को जो है डिबोर्ट करके हम लोग को जो है वहाँ से एक्सचेंज करना पड़ा, क्योंकि और यार से इस ट्रेन को दादर गोरखपुर दादर स्पेशल ट्रेन से हम लोग को जो है वाराणसी जंक्शन है। बाकी बनाया गया काफ़ी सुंदर था और यही है दोस्तों वाराणसी जंक्शन का, देख सकते हैं बाहर का नाइट का नज़ारा ऐसा है। बाकी हम लोग की जर्नी एंड होती है यहीं पे वाराणसी। जर्नी कैसा लगा? जर्नी भाई बहुत ही बढ़िया था, एकदम खाते पीते एकदम मस्त, बस मस्ती करते हैं हम लोग। आपका जर्नी एक्सपीरियंस कैसा था भाई? जर्नी एक्सपीरियंस एकदम कमाल का था। गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस काफ़ी अच्छी गाड़ी है बरौनी से गोंदिया जाने के लिए और भीड़ भाड़ बहुत कम रहती है। बढ़िया, खाते पीते आराम से आए लोग। चलिए मिलेंगे लोग एक और नई ट्रेन जर्नी के साथ, तब तक के लिए बाय, अलविदा एंड जय हिंद। हाँ और हेलो।